नमस्कार। दी मोलिकुलर बेसिस ऑफ डोमिनेंस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है उसका जो शीर्षक है, यानी कि जो टाइटल है, वो है दी मोलिकुलर बेसिस ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंत में, लेक्चर का जो एंड पार्ट है उसमें अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ दी जेनेटिक कोर्स जो है जो हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में मैं इस लेक्चर के अंत में आपसे बात करूंगा। और देखिए, ये जो आज का जो विषय है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डोमिनेंस, तो ये जो है जेनेटिक का, हम एक बेसिक टॉपिक ही कहेंगे, बेसिक लेक्चर ही कहेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स जो है इसमें कई बार हम जब जेनेटिक्स के अलग अलग जो टॉपिक हैं उसमें पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना कि भाई डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, और फिर होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, फिर म्यूटेशन, म्यूटेंट एलील। तो ये सारी जो बातें हैं है ना, उसके बारे में हम अब जो है, ये जो है जेनेटिक इंटरेक्शन में ये फर्स्ट लेक्चर है, तो उससे हम इन सभी जो टर्मिनोलॉजी है इनको समझने का हम प्रयास शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, अब ये देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स प्रोड्यूस डोमिनेंट डोमिनेंस रिलेशनशिप्स। अब इसमें यहाँ पे ये जो है, ये फर्स्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में अब देखिए, मेंडल जो है, मेंडल वाइजली चोज टू एग्जामिन ट्रेट्स प्रेजेंटिंग इन वन ऑफ टू इजीली डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स। अब देखिए, मेंडल जो है, मेंडल ने वाइजली, वाइजली का मतलब होता है मेंडल जो है, इन्होंने बहुत समझदारी से जो क्रॉस जो किए पी प्लांट जो थे उनमें, तो इन्होंने ऐसे ही जो ट्रेट हैं, ऐसे ही जो लक्षण हैं उनको पसंद किया कि जो आसानी से एक दूसरे से अलग पड़ सकें, है ना। अब देखिए, और मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जो भी फिनोटाइप जो है जिसका स्टडी किया, तो वन फॉर्म ऑफ ईच ट्रेट ही स्टडी डिस्प्लेड कंप्लीट डोमिनेंस ओवर दी अदर फॉर्म। तो एक जो लक्षण है वो दूसरे लक्षण पे पूरी तरह से प्रभावी था। जैसे कि हम पी प्लांट में, हम अगर हाइट की बात करें तो हाइट वाला जो कैरेक्टर है, तो जो दूसरा जो था, यानी कि दूसरा जो कैरेक्टर था, फिनोटाइप था, वो था ड्वार्फ। तो जो टॉल प्लांट थे वो ड्वार्फ प्लांट पे डोमिनेंट थे। इसी तरह से हम सीड सरफेस की बात करें, जो मटर है, पी सीड की अगर हम बात करें, तो उसका जो सरफेस है राउंड और व्रिंकल, तो राउंड जो है वो डोमिनेंट था। उसी तरह से कलर की हम बात करें, येलो ग्रीन, तो येलो जो था वो डोमिनेंट था, ग्रीन जो था वो रिसेसिव, है ना। तो मेंडल जो थे जीनेटिसिस्ट, उन्होंने ऐसे ही लक्षण जो हैं वो पसंद किए थे पी प्लांट में क्रॉसेस के लिए, जो एक दूसरे से आसानी से अलग पड़ सकें। चले अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, कंप्लीट डोमिनेंस मेक्स दी फिनोटाइप ऑफ अ हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस फॉर दी डोमिनेंट एलील। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखा है, कंप्लीट डोमिनेंट जो है ना, फिनोटाइप ऑफ हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म डिस्टिंग्विश फ्रॉम दैट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस फॉर दी डोमिनेंट एलील। दस ओनली ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव एलील डिस्प्ले दी रिसेसिव फिनोटाइप। अब देखिए, हेटरोजाइगस जो कंडीशन है, ठीक है, हेटरोजाइगस कंडीशन जो है उसमें हम बात करते हैं, तो देखिए कैपिटल टी लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब हम लेते हैं, तो इनके जो प्लांट हैं वो कैसे थे, ये मेंडल ने जो लिए थे प्लांट हेटरोजाइगस, ये कैसे, ये प्लांट जो मिले थे F1 जनरेशन में, वो कैसे टॉल। और स्मॉल टी जो हैं वो क्या हैं, वो रिसेसिव थे। ये जो प्लांट थे वो क्या थे, ये ड्वार्फ थे, इनकी हाइट जो थी वो कम थी, और ये इनकी जो ऊंचाई है, इनकी जो हाइट है, ये वाले जो प्लांट हैं
इनकी हाइट कैसी थी, ये प्लांट जो थे वो ड्वार्फ थे, इनकी हाइट कम थी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन एलील ऑल्सो रिजल्ट इन द एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप अमोंग द हिटरोजाइगस एफ वन प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस बिटवीन प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस पेरेंट। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है, इस बात को हम इस तरह से समझते हैं। तो मेंडल जो है, उन्होंने पी जनरेशन में जो अपना स्टडी जो है जो चालू किया था, तो वो इस तरह से कैपिटल टी लिया था, है ना। और दूसरे जो पेरेंट थे, तो दूसरा जो प्लांट था उनमें था स्मॉल टी, ठीक है। और हमको पता है कि जो एफ वन जनरेशन के जो प्लांट थे, तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट जो हैं उनमें से, तो वो हमको पता है कि भाई एफ वन जनरेशन के जो प्लांट थे वो कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो है तीसरे नंबर का, कि द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन एलील आल्सो रिजल्ट एक्सक्लूसिव डोमिनेंट फिनोटाइप अमंग द हिटरोजाइगस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है, इसमें आप देखिए कि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पे क्या है, डोमिनेंट है। और ये हमको कब बात, ये हमको जाके पता चलती है कि जब हिटरोजाइगस हमको प्लांट मिलते हैं, तब यानी कि जो एफ1 जनरेशन के प्लांट मिलते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कैपिटल टी जो था वो डोमिनेंट एलील है ना। और जो F2 जो जनरेशन है, वाइल दी F2 प्रोजेनी डिस्प्ले अ 3:1 रेशियो ऑफ डोमिनेंट टू रिसेसिव फिनोटाइप। तो आपको याद होगा कि हम जो है इस तरह से अगर हम करें कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो F2 जो है उसमें हमको क्या मिला था, F2 में हमको कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो F2 में हमको जो रेशियो मिला था टॉल और ड्वार्फ प्लांट का, तो ये जो था ये हम कह सकते हैं ये 3, ये हुआ 3, और ये जो है TT जो है वो ड्वार्फ प्लांट थे, तो वो जो थे वो थे 1, है ना, तो ये थे 1। चले अब, तो ये जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था, द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन एलील आल्सो रिजल्ट इन द एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप अमंग द हिटरोजाइगस, है ना। तो एफ वन के जो प्लांट हैं वो हमको एक्सक्लूसिवली कैसे मिले थे, तो वो भी हमको टॉल ही मिले थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेंडल जो हैं इन्होंने पी प्लांट में जो 7 जो फिनोटाइप थे इनका स्टडी किया था, 7 जो ट्रेट थे इनका स्टडी किया था, जैसे कि प्लांट की जो हाइट है उसका, है ना, फिर सीड का कलर, सीड का सरफेस, फिर पॉड जो है फूली हुई है या सिकड़ी हुई है, फिर फ्लावर की पोजीशन, पॉड की पोजीशन, तो ये सारे जो लक्षण थे इन्होंने जो है ऐसे 7 लक्षण जो है वो स्टडी किए थे मेंडल ने पी प्लांट में। अब तो हम जानते हैं कि भाई ये 7 जो लक्षण है मेंडल ने जो अभ्यास में लिए थे, अभ्यास किया था, तो कंट्रोल बाय 2 अल्टरनेटिव एलील ऑफ 7 डिफरेंट जीन। तो ये जो लक्षण थे, ये सारे जो लक्षण थे वो 7 जीन के अल्टरनेटिव जो एलील हैं उनसे नियंत्रित थे। जैसे कि अगर हम बात करें सीड सरफेस की, तो पी प्लांट में हम ऐसे कह सकते हैं आर आर, अगर हम आर आर लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो सीड सरफेस थी वो कैसी थी, स्मूथ थी, है ना। और वहीं अगर हम आर आर लिखते हैं तो क्या था, ये हिटरोजाइगस प्लांट हो जाता था, तो भी उसमें भी हिटरोजाइगस जो प्लांट मिले उनके जो सीड थे तो वो भी कैसे, तो वो भी राउंड। लेकिन जब इस प्रकार की परिस्थिति आती थी स्मॉल आर, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो होती थी, तो उसमें जो होता था सीड सरफेस जो है वो व्रिंकल रहती थी, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या इस तरह से होता है। अब देखिए,
अब देखिए, फॉर दी फोर ट्रेड्स ऑफ मेंडल दैट हैव बीन डिस्क्राइब एट द मोलिकुलर लेवल, द डोमिनेंट एलील प्रोड्यूस फुल फंक्शन ऑफ द जीन. तो मेंडल जो हैं, इन्होंने जो चार लक्षण का जो अभ्यास किया, ठीक है, तो चार लक्षण का जो अभ्यास किया, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो अभ्यास होता है, तो उसमें डोमिनेंट एलील जो है वो क्या करता है, डोमिनेंट एलील जो होते हैं वो जो जीन जो है उसको पूरी तरह से जीन का एक्सप्रेशन होता है ना. तो जो कहने का मतलब क्या है, जीन के जो एलील हैं डोमिनेंट स्वरूप में जब होते हैं तब वो जो जीन है पूरी तरह से फंक्शनल हो जाता है. अब ये पूरी तरह से फंक्शनल जो है उसका मतलब क्या होता है, उसकी भी हम आगे बात कर रहे हैं. अब देखिए, जबकि वाइल द रिसेसिव एलील एनकोड जीन प्रोडक्ट विद रिड्यूस और नो फंक्शनल एक्टिविटी, तो डोमिनेंट एलील जो है, जीन का जो डोमिनेंट एलील है, तो वैसा जो एलील है वो फुल फंक्शनल होता है. और फुल फंक्शनल होता है का मतलब क्या, जीन जो है, जीन यानी कि क्या है, जीन बना होता है डीएनए का. डीएनए में से क्या बनता है, डीएनए में से एमआरएनए, और एमआरएनए जो है न्यूक्लियस में से निकल के राइबोसोम पे जाके प्रोटीन जो है उसका निर्माण करते हैं. और ये जो प्रोटीन है वो अलग अलग तौर पर काम करते हैं, है ना. तो एज अ फंक्शनल यूनिट के तौर पे भी काम कर सकते हैं प्रोटीन, या तो एंजाइम के तौर पे या तो हार्मोन के तौर पे वो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर काम करेंगे. तो जो डोमिनेंट जो एलील होता है जीन का, वो कैसा होता है, फुल फंक्शनल होता है. और जबकि जो रिसेसिव जो एलील होते हैं, तो रिसेसिव एलील कैसे होते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो कैसी होती है, रिड्यूस होती है. रिसेसिव जो एलील होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी जो है रिड्यूस होती है, या तो फिर यानी कि रिड्यूस होती है यानी कि वो कम फंक्शनल होते हैं, या तो नो फंक्शनल एक्टिविटी यानी कि या तो फिर उनमें से कोई प्रोडक्ट जो है, कोई प्रोडक्ट मान लीजिए कोई प्रोटीन या तो एंजाइम जो है वो रिसेसिव एलील जो है उनमें से कभी कभी नहीं भी बनता. चलिए अब देखिए जो फिफ्थ जो पॉइंट है, तो क्वेश्चंस कंसर्निंग द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स ड्रॉ जेनेटिक रिसर्च इन द अर्ली मिड 20th सेंचुरी. तो ये डोमिनेंट और जो रिसेसिव एलील जो हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, तो जो जेनेटिसिस्ट थे, जो जेनेटिक्स में जो रिसर्च करने वाले जो रिसर्चर हैं या तो जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का ध्यान जो है इस तरफ गया था. मेंडल ने अपना काम किया, उन्होंने जो क्रॉस किए, उसके बाद जो मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी जो है उसका जब अभ्यास लोगों ने शुरू किया, रिसर्चर ने, साइंटिस्टों ने, तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव जो एलील हैं उनकी मैकेनिज्म जो है, उनकी कार्य करने की जो प्रणाली है वो किस तरह से है. अब देखिए आगे, तो questions such as how dominance of an allele could be ascertained, ठीक है, question क्या है, प्रश्न क्या है कि जो dominant allele जो है वो किस तरह से काम करता है, और why certain mutation are recessive, कुछ जो mutation है वो क्यों रिसेसिव होते हैं, वेयर एज अदर्स आर डोमिनेंट, और कुछ जो म्यूटेशन होते हैं जीन में एलील के अंदर, तो वो जो म्यूटेशन है वो क्यों रिसेसिव होते हैं, और जबकि दूसरी जो है म्यूटेशन वो क्यों डोमिनेंट होती हैं, तो इन बातों का भी हमको उत्तर मिलना चाहिए. एंड वेदर द म्यूटेशन ऑलवेज कॉज जीन टू लॉस फंक्शन, और क्या ऐसा होता है कि जब भी म्यूटेशन होता है तो जीन जो है अपनी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो गुमा देता है ना, वो लॉस हो जाती है, वो चली जाती है. क्या म्यूटेशन की वजह से जीन की कार्य क्षमता जो है वो पूरी पूरी लॉस हो जाती है, और वेदर म्यूटेशन कैन इम्पार्ट न्यू और एडिशनल फंक्शन टू एलील वेयर कॉमनली आस्क्ड, या तो फिर म्यूटेशन जो है इनकी वजह से क्या है, म्यूटेशन की वजह से एलील जो है इनकी फंक्शनैलिटी में इजाफा होता है ना, और यानी कि उनकी कार्य करने की जो क्षमता है म्यूटेशन की वजह से बढ़ जाती है. तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूछे जाते हैं. चले अब जो है हम आगे बढ़ जाते हैं. अब देखिए,
सिक्स नंबर का ये पॉइंट है, सिक्स नंबर के पॉइंट में अब देखिए, अ कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट इफ द सेम फिनोटाइप इज सीन इन ऑर्गेनिज्म विद होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस जीनोटाइप। अब ये जो है फिर से हम बात करते हैं कि जो पी प्लांट की जो हाइट का जो कैरेक्टर है, जो फिनोटाइप है, उसी की बात करते हैं। तो देखिए, तो ये जो कैरेक्टर है, ये पी प्लांट की जो हाइट है, उसको उसका जो डोमिनेंट या रिसेसिव उसको हम कब कहेंगे, तो होमोजाइगस परिस्थिति है ना, कैपिटल टी कैपिटल लीजिए, या तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हिट्रोजाइगस परिस्थिति। तो होमोजाइगस या तो हिट्रोजाइगस परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि हमको जो फिनोटाइप जो दिख रहे हैं वो कैसे, टॉल प्लांट, तो टॉल प्लांट यानी कि जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो वो जो लक्षण हैं, वो जो कैरेक्टर हैं, वो जो फिनोटाइप है, उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट फिनोटाइप। लेकिन कब कहेंगे, तो वो जब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों परिस्थिति में होगा तब। अब देखिए, और दी आगे, दी को रिलेटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड रिसेसिव इट इज इफ इट इज ऑब्जर्व ओनली इन अ सिंगल होमोजाइगस जीनोटाइप। और देखिए, रिसेसिव जो है उसको, रिसेसिव कैरेक्टर किसको कहेंगे हम, कि भाई होमोजाइगस सिंगल होमोजाइगस जीनोटाइप, तो होमोजाइगस यानी स्मॉल टी जो है और प्लांट जो है वो आपको आपको कैसा मिलता है, ड्वार्फ मिलता है। तो इस परिस्थिति में जो एलील है इनको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे, है ना। चलिए अब तो इन दिस सेंस डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस यानी कि प्रभावी जो है प्रभावी बात और रिसेसिवनेस यानी प्रच्छन्न, है ना। तो डोमिनेंस है या तो रिसेसिवनेस है, हैव अ फिनोटाइपिक बेसिस, या फिनोटाइपिक बेसिस डोमिनेंट का मतलब, तो डोमिनेंट और रिसेसिव जो फिनोटाइप की हम जब बात करते हैं, तो देखिए डोमिनेंट का मतलब क्या, कि भाई प्लांट हाइट जो है, प्लांट हाइट जो है टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। फिर सीड का सरफेस स्मूथ और व्रिंकल, तो स्मूथ जो था डोमिनेंट था, व्रिंकल जो था वो था रिसेसिव, ठीक है। और उसके बाद जो था कि सीड का कलर येलो ग्रीन, है ना, तो उसमें भी आप येलो जो है वो डोमिनेंट था, ग्रीन जो था रिसेसिव। तो ये जो है डोमिनेंट रिसेसिव जो है वो क्या है, उनके फिनोटाइपिक बेसिस होते हैं। अब देखिए, द फिनोटाइप्स आर हाउएवर अ कंसीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द एलील ऑफ अ जीन। अब किसी भी फिनोटाइप जो है, कोई भी फिनोटाइप जो होता है, उसका जो कारण है, है ना, उसका कारण क्या होता है कि जो जीन का जो एलील है और उसमें से किस प्रकार का प्रोटीन बनता है, उस हिसाब से फिनोटाइप जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के होते हैं। अब फिनोटाइप जो है, जैसे कि हमारे जो बाल हैं, सीधे हैं या कर्ली हैं, आंखों का जो रंग है, स्किन का जो कलर है, ठीक है, तो ये सारे जो हैं, ये क्या है, ये सारे जो हैं वो हमारे लक्षण हैं, फिनोटाइप है। और ये फिनोटाइप या तो लक्षण जो हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो जीन के जो एलील हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, जीन एक्सप्रेशन जो है, जीन का जो फंक्शन है किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उस तरह से फिनोटाइप जो है व्यक्ति का डेवलप होता है। अब देखिए, इन दिस सेंस डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस आल्सो हैव अ मॉलिक्यूलर बेसिस। तो डोमिनेंस और रिसेसिवनेस जो है, तो इसका क्या है, मॉलिक्यूलर बेस होता है, इसका जो स्टडी है डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके करना पड़ता है। अब देखिए, द डोमिनेंस ऑफ वन एलील ओवर अनदर इज डिटरमाइंड बाय द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द एलील, ठीक है। तो एक जो एलील है वो दूसरे एलील पे डोमिनेंट है, प्रभावी है, ये हम कब कहेंगे कि एक एलील डोमिनेंट है दूसरे एलील पे, ये बात हम
हम तब कहेंगे ये किस तरह से डिसाइड होती है, तो बाय द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ एन एलील। वो जो एलील है वो किस प्रकार का और कितना प्रोटीन बनाता है, उस आधार पे एक एलील दूसरे एलील पे प्रभावी है या नहीं वो तय होता है, वो डिसाइड होता है। फिर बाय द मैनर इन विच प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ एलील वर्क टू प्रोड्यूस फिनोटाइप, ठीक है। और फिर और ये जो प्रोटीन जी एलील जो है, जीन का जो एलील है वो जब एक्सप्रेस हुआ तो उसमें से क्या प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन क्या करते हैं, तो वो जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चलिए अब 9 नंबर का जो पॉइंट है उसमें लेट्स कंपेयर टू एग्जांपल टू इलुस्ट्रेट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है दो एग्जांपल जो है उनका अभ्यास करते हैं और जिससे मॉलिक्यूलर लेवल पे डोमिनेंस और रिसेसिवनेस क्या होती है वो जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दोनों जो एग्जाम्पल हैं, इन बोथ एग्जाम्पल अ वाइल्ड टाइप एलील प्रोड्यूसेस एन एंजाइम विद फुल एक्टिविटी। अब दो जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें जब हम जेनेटिक्स में कई बार हम यूज करते हैं ना, जैसे मॉर्गन के जो क्रॉसेस थे उसमें हमने देखा कि भाई वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला है ना, और दूसरी जो थी वो म्यूटेंट है, तो उसमें जो वाइल्ड टाइप जो एलील है वो उसका मतलब क्या होता है वाइल्ड टाइप का, तो वाइल्ड टाइप जो एलील है वो क्या करता है प्रोड्यूस एन एंजाइम, ठीक है। और ये जो एंजाइम है वो क्या रहता है फुल्ली फंक्शनल होता है, और एंड अ म्यूटेंट एलील प्रोड्यूसेस आइदर वेरी लिटल एंजाइम एक्टिविटी और नन एट ऑल। और जो म्यूटेंट एलील होते हैं तो म्यूटेंट एलील में से जो एंजाइम का प्रोडक्शन होता है या तो बहुत ही कम होता है या तो बिल्कुल नहीं होता है ना। तो वाइल्ड टाइप का मतलब क्या हुआ, वाइल्ड टाइप एलील का मतलब क्या करेंगे हम, ऐसे एलील कि जिनमें से क्या होता है कि एंजाइम जो है उनका निर्माण होता है। और म्यूटेंट जो एलील है उसका मतलब क्या होता है कि भाई जो एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस या तो नहीं होते या तो बिल्कुल कम होते हैं। चलिए अब देखिए इन दी फर्स्ट एग्जाम्पल द म्यूटेंट एलील इज रिसेसिव। प्रथम जो एग्जाम्पल है उसमें म्यूटेंट एलील जो है वो रिसेसिव है, बट इन दी सेकंड एग्जाम्पल द म्यूटेंट एलील इज डोमिनेंट। और दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें म्यूटेंट एलील जो है वो कैसा है, डोमिनेंट है। अब देखिए रिकॉल फ्रॉम आवर डिस्कशन एट द बिगिनिंग ऑफ सेक्शन 3.3, तो ये जो बुक है ये जो किताब है उसमें से जो आगे का जो सेक्शन है वो आपने अगर उसके लेक्चर देखे हैं ये, या तो ये बुक जो है आपने पढ़ी है, तो उसमें से आप याद करिए कि रिकॉल आवर डिस्कशन एट द बिगिनिंग ऑफ सेक्शन 3.3 दैट द टर्म वाइल्ड टाइप डिराइव्स फ्रॉम द वर्क ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये जो वाइल्ड टाइप जो है ये जो शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं वाइल्ड टाइप, तो ये वाइल्ड टाइप जो है तो ये हम क्यों करते हैं, तो थॉमस हंट मॉर्गन जो है जेनेटिसिस्ट, इन्होंने जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला इन पे बहुत सारा अपना रिसर्च किया, बहुत सारा अभ्यास किया, बहुत सारे क्रॉसेस किए अलग अलग ड्रोसोफिला पे, और उनकी बहुत सारी जो ऑफस्प्रिंग है जनरेशन है उनको इन्होंने एनालाइज किया। तो हमको पता है कि जो वाइल्ड टाइप जो है वो आज जो हम टर्म यूज कर रहे हैं उनका जो श्रेय है उस बात का, तो वो जो श्रेय है वो थॉमस हंट मॉर्गन के एफर्ट को जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थॉमस हंट मॉर्गन जो है जीनेटिसिस्ट हु डिटरमाइंड दैट मोस्ट फ्लाइज इन हिज वाइल्ड पॉपुलेशन हैड द सेम फिनोटाइप, है ना। तो इन्होंने जो क्रॉसेस किए थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे उन पे से ये जो है ये तय कर पाए कि ज्यादातर जो ड्रोसोफिला फ्लाई हैं वाइल्ड पॉपुलेशन में, है ना, तो आबादी जो है आबादी ड्रोसोफिला की, या तो बस्ती भी आप कह सकते हैं, तो आबादी जो वाइल्ड यानी कि वाइल्ड यानी
जो डोमेस्टिक नहीं है वो, है ना। तो जो नेचर के अंदर जो ड्रोसोफिला हैं, तो उनमें वाइल्ड टाइप जो ड्रोसोफिला हैं वो कैसी हैं? तो देखिए, मोस्ट फ्लाइज इन हिज वाइल्ड पॉपुलेशन हैड सेम फिनोटाइप। तो ज़्यादातर जो वाइल्ड जो फ्लाइज थी उनके जो फिनोटाइप थे वो कैसे थे? एक दूसरे से मिलते जुलते थे, है ना। बहुत ही कॉमन था वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। और दी वाइल्ड टाइप ट्रेट और एलील इज द मोस्ट कॉमन एलील इन अ नेचुरल वाइल्ड पॉपुलेशन। और जो वाइल्ड टाइप का जो ट्रेट है, यानी कि लक्षण है, या तो फिनोटाइप है या तो कैरेक्टरिस्टिक कहिए आप, वो जो है वाइल्ड पॉपुलेशन में कॉमन होता है। और इसी तरह से जो वाइल्ड टाइप एलील जो है वो भी नेचर में पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन होते हैं। चलिए, तो चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेप्लो हेप्लो सफिशिएंट वाइल्ड टाइप एलील इज डोमिनेंट। तो चलिए, अब जो हेप्लो सफिशिएंट वाइल्ड टाइप एलील जो है ये डोमिनेंट क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अब देखिए, फर्स्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं हमारे डिस्कशन में, तो देखिए, जीन आर जो है, जीन आर एज अ डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील, जीन आर जो है, जीन आर का डोमिनेंट वाइल्ड टाइप जो एलील है वो क्या है? आर प्लस। अब ये आर प्लस जो है, आपको पता है, मैं बुक जो होती है बुक में से कॉपी पेस्ट जो है वो करके जब मैं ये करता हूँ, तो ये आर, ये जो है, तो ये आर प्लस जो है वो साइड में चला गया, लेकिन आर प्लस आप यहाँ पे समझिए उसको। ये आर प्लस जो है इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझें, आर प्लस को यहाँ पे, ठीक है। और तो जीन आर की जो हम बात कर रहे हैं उसका जो वाइल्ड टाइप जो एलील है वो कौन सा है? आर प्लस है। एंड रिसेसिव म्यूटेंट एलील जो है, जीन का, जीन आर का जो रिसेसिव म्यूटेंट एलील है वो कौन सा है? स्मॉल आर। अब समझते हैं आगे बातों को कि देखिए, जीन आर जो है, जीन आर क्या कर रहा है? जीन आर प्रोड्यूसेस एन एंजाइम। जीन आर जो है एंजाइम जो है उसका निर्माण करता है, दैट मस्ट जनरेट। अब ये बात ध्यान से हम समझेंगे, जीन आर जो है एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, और जीन आर जो है, इससे, जीन आर से जो एंजाइम पैदा हुआ मस्ट जनरेट 40 और मोर यूनिट ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी टू ड्राइव क्रिटिकल रिएक्शन स्टेप, है ना। अब एंजाइम जो है, एंजाइम को हम उत्सेचक जो है वो भी कहते हैं, और ये जनरली जो है एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ज़्यादातर जो हिस्सा है वो प्रोटीनस होता है एंजाइम के स्ट्रक्चर में। तो एंजाइम, जीन आर से जो एंजाइम पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ, वो उसको क्या करना है? जीन आर से जो एंजाइम पैदा हुआ उसको मस्ट जनरेट 40 और मोर यूनिट ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी टू ड्राइव अ क्रिटिकल रिएक्शन स्टेप। अब कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सक्रिय करना, है ना। तो जो अलग अलग रिएक्शन होते हैं सेल में, उनमें ये कम से कम, ये कितनी जगह पे पार्टिसिपेट करेगा ये जो एंजाइम है वो? तो वो कम से कम 40 जगह पे जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जीन आर में से जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ वो मस्ट जनरेट, उसको करना ही है 40 या तो उससे भी ज्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, ठीक है। और ये कैटालिटिक एक्टिविटी में एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा टू ड्राइव अ क्रिटिकल रिएक्शन स्टेप। और एंजाइम के पार्टिसिपेशन के कारण क्या होता है कि जो रिएक्शन जो स्टेप है उनका कंप्लीशन होता है। तो 40 अलग अलग जगह पे जाके ये जो एंजाइम है वो अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है। इतनी बात हमको क्लियर हुई जीन आर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखिए, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेप प्रोड्यूसेस द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। चलिए, तो एंजाइम जो है,
एंजाइम ने अलग अलग कैटालाइटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और फाइनल जो रिएक्शन थे वो भी खत्म हो गए। तो अब फाइनली जाके क्या होता है, तो जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है, जो लक्षण है, जो ट्रेट है, वो प्रोड्यूस होते हैं सजीव के अंदर, या तो वो प्लांट हो या तो एनिमल हो, उसमें वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम के काम करने के बाद में। चलिए अब whereas फेलर टू कंप्लीट द स्टेप, और एंजाइम जो है अगर फेल हो जाता है तो फेलर टू कंप्लीट द स्टेप जनरेट अ म्यूटेंट फिनोटाइप, और एंजाइम जो है वो कैटालाइटिक एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाता, तो उस परिस्थिति में जो म्यूटेंट फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस होता है, वो जनरेट होता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ईच कॉपी ऑफ एलील आर प्लस प्रोड्यूसेस 50 यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब यहाँ पे अब देखिए ईच कॉपी ऑफ एलील आर प्लस जो है, ठीक है, ईच कॉपी ऑफ एलील, तो आर प्लस जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसेस 50 यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, आर प्लस जो है, आर प्लस के कारण क्या हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी के कितने यूनिट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो 50 यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए इसके अलावा दी म्यूटेंट एलील आर प्रोड्यूसेस नो फंक्शनल एंजाइम, म्यूटेंट एलील आर जो है इसमें से कोई भी फंक्शनल एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, एंड लीड्स टू जीरो यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। अब क्या होता है कि भाई म्यूटेंट एलील आर जो है उससे तो कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, आर जो है उससे तो कोई एंजाइम बना ही नहीं, अब एंजाइम ही नहीं बना है तो फिर वो क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, और जब एंजाइम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो कोई रिएक्शन ही नहीं है और कोई फिनोटाइप ही नहीं है, है ना। तो अब देखिए तो ये जो म्यूटेंट एलील वाली जो बात थी, ये पॉइंट हमने कवर किया। अब देखिए अब जब हम होमोजाइगस परिस्थिति की बात करते हैं, होमोजाइगस आर प्लस कौन सा स्थिति है, आर प्लस और आर प्लस, होमोजाइगस आर प्लस की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, होमोजाइगस परिस्थिति में, होमोजाइगस आर प्लस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो आर प्लस जो है होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म जब हम कहेंगे, क्योंकि एक आर प्लस जो है उसमें से 50 एंजाइम एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो अगर जब आर प्लस हो जाएगा तो क्या होता है, 100 यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक जो आर प्लस है उसमें से 50 यूनिट फ्रॉम ईच कॉपी ऑफ आर प्लस। अब जो है फार एक्सीडिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड टू अचीव द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। अब वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जो है, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप के लिए तो हमको कितने यूनिट एक्टिविटी चाहिए थी, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप के लिए हमको तो 40 यूनिट जो एक्टिविटी थी एंजाइम की वही चाहिए थी, लेकिन आर प्लस जो है होमोजाइगस डोमिनेंट जो स्थिति है उसमें तो 100 यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके कारण तो क्या है, जो फिनोटाइप है वो वाइल्ड टाइप ही प्रोड्यूस होगा इस परिस्थिति में आर प्लस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हिट्रोजाइगस परिस्थिति है, हिट्रोजाइगस यानी एक जो एलील है आपका वो डोमिनेंट वाइल्ड टाइप है आर प्लस है, और दूसरा जो है वो आर है, इस तरह से है ना, आर प्लस और आर, ये हिट्रोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म है, तो हिट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 50 यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि इसमें जो एक जो आर प्लस है उससे आपकी 50 यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, और दूसरा जो है इससे तो क्या है, जीरो यूनिट जो है एक्टिविटी ही, ये स्मॉल आर जो है उससे तो क्या है, जीरो यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है। अब जब हिट्रोजाइगस परिस्थिति है, हिट्रोजाइगस परिस्थिति होती है तो उसमें भी क्या है कि देखिए 50 यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी तो है, और आपको जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें वाइल्ड टाइप फिनोटाइप के डेवलपमेंट के लिए, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप प्रोड्यूस होने के लिए हमको कितना चाहिए था, हमको तो 40 यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी चाहिए थी। तो ये हिट्रोजाइगस जो परिस्थिति है, तो हिट्रोजाइगस जो कंडीशन है विच इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस द वाइल्ड टाइप
फिनोटाइप। तो ये जो 50 यूनिट एंजाइम एक्टिविटी है वो सफिशियंट है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप के लिए। अब देखिए, अब हम होमोजाइगस जो स्थिति है, होमोजाइगस जो स्थिति है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, होमोजाइगस आर आर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नो एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि इस परिस्थिति में तो आर आर जो है इसमें तो जीरो एंजाइम, जीरो यूनिट एंजाइम एक्टिविटी होती है स्मॉल आर में। तो फिर यहाँ पे जब आर आर होगा तो फिर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नो एंजाइमेटिक एक्शन। लेकिन हाउएवर एंड डिस्प्ले द म्यूटेंट फिनोटाइप, और इस स्थिति में जो ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो फिनोटाइप होगा वो डिस्प्ले द म्यूटेंट फिनोटाइप, वो म्यूटेंट फिनोटाइप दर्शाता है। म्यूटेंट फिनोटाइप आपको ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेगा जब स्मॉलर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू कैटलाइज द क्रिटिकल रिएक्शन स्टेप एंड प्रोड्यूस द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इन आइदर अ होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस आर प्लस आर जीनोटाइप, तो आर प्लस इज डोमिनेंट ओवर आर, है ना। तो हमने क्या देखा कि बेस्ड ऑन इस एबिलिटी टू कैटलाइज द रिएक्शन स्टेप एंड प्रोड्यूस द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, तो R प्लस स्थिति है आपकी, R प्लस परिस्थिति है, या तो R प्लस, तो R प्लस में कितना हमने बात किया, R प्लस जो है इसमें हमने बात किया 100 यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, 100 यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और जो ये जो परिस्थिति है आपकी R प्लस और R, तो ये जो स्थिति थी उसमें आपकी 50 यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी थी, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या कहेंगे कि जो R प्लस जो है, R प्लस क्या है, R प्लस जो है आपका, R प्लस इज डोमिनेंट ओवर R, R प्लस जो है वो स्मॉल R पे प्रभावी होता है, है ना। R प्लस जो है वो स्मॉल R पे प्रभावी है। अब देखिए, तो डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील्स ऑफ दिस काइंड आर आइडेंटिफाइड एज अ हैप्लो सफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए, डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील ऑफ दिस काइंड, यानी कि जो आर प्लस प्रकार के जो एलील हैं, है ना, इनको क्या कहेंगे हम, ये डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील जो है आर प्लस प्रकार के, इनको कहा जाता है हैप्लो सफिशिएंट। क्योंकि देखिए, सिंस वन हैप्लोकॉपी इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इन द हिट्रोजाइगस जीनोटाइप। क्योंकि देखिए, R प्लस फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। R प्लस है, ठीक है, इजिकल टू क्या हुआ, 50 यानी कि 50 प्लस 50 यानी 100 यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा R प्लस। और ये R प्लस R होगा तो ये एक अकेला जो R प्लस है वो क्या करेगा, ये अकेला R प्लस जो है वो हिट्रोजाइगस कंडीशन में 50 यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसी कारण आपका जो R प्लस है, ठीक है, क्योंकि आपको वाइल्ड टाइप फिनोटाइप के लिए तो क्या है, मान लीजिए आपको 40 यूनिट एंजाइम एक्टिविटी ही चाहिए थी, है ना, जो कैटालिटिक रिएक्शन है उनका कंप्लीशन करने के लिए। तो यहाँ पे तो अकेला R प्लस जो है वही काफी है, है ना। तो देखिए, हैप्लो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये हैप्लो यानी हैप्लो सफिशिएंट, यानी ये R प्लस जो है वही अकेला, ये अकेला R प्लस, है ना, काफी है, अकेला R प्लस काफी है किसके लिए, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जो है ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये R प्लस जो है इसको हम क्या कहेंगे, हैप्लो सफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब होता है। चलिए अब आगे जेनेटिक का जो कोर्स है, इसमें जो आगे आने वाले जो कोर्स हैं, यही जो लेक्चर है इसको अब हम आगे कंटिन्यूएशन में रखेंगे। ये जो है आप जानते हैं, तो हमारा जो जेनेटिक का जो कोर्स है, जेनेटिक का जो कोर्स जो है, तो ये जो लिखा है जेनेटिक कोर्स, तो आप जानते हैं मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है उसका जो नाम है, मेरा जो नाम है वही मेरे ऐप का नाम है, मनीष जे कोष्टी। अब ऐप में आप जब जाएंगे तो ऐप में आपको
फोल्डर अभी तक जो ऐप जो है ऐप में जो स्टोर है, स्टोर में आपको 1 2 3 4 चार नंबर का जो फोल्डर है, ठीक है, चार नंबर का जो फोल्डर है उसका जो टाइटल है वो है जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब जो अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उनमें ये सारे जो पॉइंट हैं इसका हम डिस्कशन करेंगे। हैप्लो इनसफिशिएंट वाइल्ड टाइप एलील इज रिसेसिव, इसका इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में लेक्चर, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद फंक्शनल इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन, इसके बारे में बात करेंगे। फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, इसके बारे में। फिर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, इसके बारे में बात करेंगे। फिर नल म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, एमॉर्फिक म्यूटेशन क्या होते हैं, लीकी म्यूटेशन क्या होता है, उसके बाद हाइपोमॉर्फिक म्यूटेशन क्या होता है, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन क्या होता है, फिर उसके अलावा ये जो है ऑस्टियो नीचे जो है, एक मिनट, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में ये जो लिखा है हाइपरमॉर्फिक एंड नियोमॉर्फिक म्यूटेशन, है ना। आखिर में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जो है हाइपरमॉर्फिक एंड नियोमॉर्फिक म्यूटेशन। तो ये सारे जो लेक्चर हैं, कल के दिन में जो ऐप है उस पे सारे जो लेक्चर हैं वो मैं डिलीवर करके अपलोड कर दूंगा। तो सारे लेक्चर जो हैं वो जो जितने भी ऐप मेंबर्स हैं वो ये सारे जो लेक्चर हैं वो देख पाएंगे। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है जिस रेफरेंस बुक का मैंने इस्तेमाल किया है ये लेक्चर लेने के लिए, तो ऐप के जो मेंबर हैं उनको ये बुक का जो इन्फॉर्मेशन है ऑथर्स और पब्लिकेशन कंपनी के बारे में, तो वो भी मैं व्हाट्सएप जो है सभी मेंबर्स को कर दूंगा, तो आपको बुक का नाम जो है वो पता चल जाएगा। तो इसी के साथ में अब ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है, अब ये लेक्चर जो है अब यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।